मैंने 8 गोलियाँ खाई है। देखे मैं एक सियासी वर्कर हूँ, कैमरे की आंख से देखिए, 1 2 3 4 ये देखिए सर 5 6 पीपल्स पार्टी का जियान हो। आप पीडीएम के जलसों की बात कर रहे हैं। सर मेरा नाम लाल बादशाह जदून है, मैं कराची से आया हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। और ये आप अपनी कैमरे की आंख से देख रहे हैं, ये वो ऐसा आवाम का समंदर मीनार-ए-पाकिस्तान के अंदर आज 13 दिसंबर ये वो दिन है जिस याद और 1940 के अंदर एक करारदाद पास हुई थी पाकिस्तान के लिए। आज आवाम की शक्ल में करारदाद पास हो रही है इस नाइल सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि ये वो झूठा खान जो कहता था कि मैं नौकरियां दूंगा, रोज़गार दूंगा, ना नौकरियां दी ना रोज़गार दिया। इसके राइट हैंड पे देखो तो आटा चोर, लेफ्ट हैंड पे देखो तो चीनी चोर। ये वो नाइल हुकूमत। अच्छा ये बताएं आप किसी कोई और जलसा भी अटेंड किया पीटीएम का आपने? सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर आप पीटीएम की मैंने 8 गोलियाँ खाई है। देखे मैं एक सियासी वर्कर हूँ, कैमरे की आंख से देखिए 1 2 3 4 ये देखिए सर 5 6 पीपल्स पार्टी का जियान हो। आप पीडीएम के जलसों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारा चेयरमैन कहे कि इस्लामाबाद पहुँचो, ये तो ठंडा मौसम है, अगर 50 सेंटीग्रेड गर्मी और इधर खांटों का सेच हो, इंशाल्लाह एक जियाल हूँ, लेटा रहूँगा। आप काम क्या करते हैं? मैं रोज़गार जो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस जिया भट्टो। अच्छा वो कहते हैं कि आपसे सिंध तो संभलता नहीं और आप हम पे बातें करते हैं। सर बात ऐसी है ना, आप मीडिया वाले हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपको याद हो कि लाड़काने में अगर कुत्ते किसी इंसान को काटते हैं तो मीडिया में आते हैं कि कुत्तों ने इन बच्चों को काटा, वैक्सीन नहीं, ऐसा ही है। लेकिन आपने देखो अगर 1 हफ्ता पहले केपीके के अंदर 7 लोगों की अमवात होती है दिन दिहाड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पे ऑक्सीजन तक मैसर नहीं, तो किसी मीडिया ने नहीं बताया। ये आवाम जो लड़ रही है आवाम की आज़ादी के लिए और मीडिया की आज़ादी के लिए, क्योंकि मीडिया को दबाया गया। हम उन सेलेक्टरों को आज छोड़ के कहते हैं 72 साल हो गए, बहुत हो गया, हमें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जीना है। तो हम इस वक्त जो लड़ रहे हैं ये उस माइंड और सोच के खिलाफ। लीडर एक ही भट्टो था, लेकिन उसको प्रोपिगंडे कैसे, आपने देखो 2010 के बाद जब नवाज 2010-11 के बाद मीडिया ने किसका, उस 1 सीट वाले को आज जो है मुल्क का वजीर आजम मुसल, उनको तो ना तरीका आ रहा है, ना संभल रहा है, ना कुछ। तो मैं यही कह रहा हूँ वो फेसबुक और मीडिया की तवज्जो से वजीर आजम की सीट तक, सेलेक्टरों की सीट तक बन गए। खुदा रा इस आवाम को छोड़े, जीने में आवाम की हुकूमत है। ये बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।